नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है। शहीद कार सेवक स्वर्गवास श्री जगत प्रकाश अग्रवाल के परिवारों का एवं घायल कार सेवकों का सम्मान समारोह झांसी 30 अक्टूबर 2021 को दीनदयाल सभागार में शहीद कार सेवक स्वर्गवास श्री जगत प्रकाश अग्रवाल के परिवारों का एवं घायल कार सेवकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में 2500 से 3000 राम भक्तों पैदल चलकर दीनदयाल सभागार से खंडहर गेट तिराहा पर कार सेवक सगरीय श्री जगत प्रकाश अग्रवाल मूर्ति का अनावरण एवं मार्ग का लोकार्पण सांसद अनुराग शर्मा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा गराठा, विधायक जवाहर सिंह राजपूत झांसी, मेयर राम तीरथ सिंगल, हरिओम पाठक, प्रदीप सरावगी एवं पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। झांसी से मंडल हेड इब्राहिम दास की खास खबर। उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना किया, उसका नाम आगे बढ़ाया है। जैसा उसका नाम जगत था वैसा ही जगन्नाथ में प्रसिद्ध कर दिया आप लोगों ने। आपने इस पूरे सड़क का भी नाम आपके बेटे के नाम पे कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, सड़क बहुत अच्छा है। तो मगर ये जगत प्रकाश कैसे नाम होगा? जगत प्रकाश खंडेराव गेट रखना तो है, खंडेराव गेट तो रहे ही रहेगा, खंडेराव गेट नहीं हटता। जगत प्रकाश, उनकी आत्मा को शांति होगी। 31 वर्ष हो चुकी है, नहीं अब शांति मिल रही और का है नहीं। देवतन में मिल जाए, वैकुंठ वास मिल जाए उन्हें। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा को शांति, उनकी आत्मा को शांति, तो हमारी आत्मा को शांति है। हम तुम्हारे बेटे को इतने कहूँ गोली मार दी। हाँ, सरकार ने, सरकारी पुलिस वालों ने, अब जो कुछ करो हो सो है नहीं। अब वो तो गोली मार दे सुबह तो हो ही चुकी, खत्म ही चीज बहुत है। अकेले उनने का करो, उनने का करो, हमारा इलाज है। अब एन हमारा इलाज कर। आज का दिन आप कैसे देखते हैं? आज आपके बेटे की मूर्ति भी लगाई गई है, आज जो सम्मान मिला है आपको, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। अब उनके ठीक है, भगवान ने अपनी जगत को नाम कायदा, उनके जगत में नाम कायदा अपनो। आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, क्या कहेंगे? 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में कार सेवा होनी थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा कर रखी थी कि अयोध्या में परिंदा भी पार नहीं मार पाएगा। पूरे देश से आए हुए कार सेवकों को झांसी में रोका गया था। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा होनी थी अयोध्या में, उससे पूर्व झांसी में कार सेवक जेलों में बंद थे। यहाँ के राम भक्त झांसी के उनकी सेवा में लगे हुए थे। पुलिस ने अनाकरण बगैर किसी कारण के ही गोली चला दी इसी खंडेराव गेट चौराहे पर, जिसमें 10-12 लोगों को गोली लगी, गंभीर घायल हुए। 50-60 के लगभग कार सेवक सामान्य घायल हुए थे और एक कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल उसमें शहीद हो गया था। आज जब हम लोगों ने जिस कारण से ये बलिदान जगत अग्रवाल ने दिया था, मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, तो मेरी सोच है हम सभी की कि अब बलिदानी कार सेवकों का भी सम्मान होना चाहिए। इसी क्रम में झांसी से ये शुरुआत है। अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जगत अग्रवाल की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम आज जो जिस प्रकार का आप लोगों ने देखा, और झांसी के राम भक्तों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, हमारी समझ में इससे पहले ऐसा अनावरण भारत में ना कहीं हुआ होगा और ना किसी ने देखा होगा। Never miss an update.